कौन सा फोन बेस्ट है, पोको X2 या Redmi Note 9 Pro Max। तो इस वीडियो में मैं डिटेल वाला कंपैरिजन करने वाला हूँ पोको X2 और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में। दोस्तों वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्या पता आपका डिसीजन बदल जाए कि आपको कौन सा फोन लेना है। दोस्तों पहले दोनों की डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ आते हैं और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की बैक और फ्रंट में दोनों में प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। दोनों के बैक में एक ग्लास बॉडी आपको देखने को मिलती है। तो करीब करीब दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम ही आपको देखने को मिलती है। दोस्तों जहाँ तक बात करें दोनों के लुक्स के बारे में तो दोनों ही देखने को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर पर्सनली मुझे पोको X2 ज्यादा पसंद है। उसके जो पीछे राउंड जो सर्कल आपको देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सामने इन डिस्प्ले जो डबल कैमरे वाली जो नोज देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और उसको फ्लेक्सिबल जैसा लुक देती है। और दोस्तों जहां तक बात करें परफॉर्मेंस की, दोस्तों यकीन मानिए दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सेम है। एक में आता है स्नैपड्रैगन 720G और एक में आता है स्नैपड्रैगन 730G। 720 उसमें आता है Redmi Note 9 Pro Max में, तो उसमें एक फैसिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, नेविक। दोस्तों अपना इंडिया का PS जो सिस्टम है, लोकेशन वाला सिस्टम है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से वो ज्यादा कुछ काम का है नहीं। और गेमिंग के अंदर भी दोस्तों आपको एड्रीनो 618 का जो गेमिंग बूस्ट यूनिट आपको देखने को मिलेगी। दोनों में सेम, मतलब अप्रोक्स आप अगर PUBG खेलते हैं दोनों में तो सेम आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बात करें दोनों की बैटरी और फास्ट चार्जिंग की तो दोस्तों मैं कहूंगा Redmi Note 9 Pro Max यहाँ पे किलर विनर है, क्योंकि उसके अंदर 5020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। 733 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। वहीं पर पोको X2 के अंदर आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिलती है विद 27 वोल्ट फास्ट चार्जर। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ विनर Redmi Note 9 Pro Max को मैं कहूंगा। और दोस्तों काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैमरा किसका बढ़िया है। दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं, पोको X2 इज द बेस्ट विनर। पोको X2 सबसे बढ़िया कैमरे वाला फोन है, 20,000 के अंदर आता है। जो अगर आप कैमरा फोन लेना चाहते हैं तो आप पोको X2 को ले सकते हैं। इसका फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही गजब है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल मस्त काम करती है 4K के अंदर। और ब्लॉग मोड, प्रो मोड, पता नहीं आपको कैसे कैसे मोड आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों किलर विनर है इसके अंदर तो पोको X2। आप पोको X2 ले सकते हैं अगर आप कैमरे के लिए कोई फोन ले रहे हैं। अगर आप बैटरी के लिए कोई फोन ले रहे हैं तो आप Redmi Note 9 Pro Max के साथ जा सकते हैं। अगर दोनों की प्राइस की बात करें तो पोको X2 यहाँ पे 1000 ज्यादा आपको महंगा देखने को मिलेगा। 17,500 का मिलेगा आपको 664 वाला वेरिएंट। और दोस्तों वहीं पे Redmi Note 9 Pro Max आपको 16,500 में मिल जाएगा 664 वाला वेरिएंट। तो ब्राइटनेस की बात करें तो पोको X2 में आती है 501 नीट्स की ब्राइटनेस। दोस्तों आप ब्राइटनेस के अंदर साफ साफ पोको X2 ने मात दे दी है Redmi Note 9 Pro Max को। मतलब अगर आप धूप वगैरह में जाते हैं तो आपको अच्छा सा ब्राइट देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई नहीं है अभी तक, पोको X2 में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोस्तों गजब फीचर है, अभी तक कोई से भी 40,000 के फोन के अंदर भी ये फीचर आपको देखने को नहीं मिला है। ये पोको X2 ने दिया है आपको, वो भी 17,500 के अंदर। और दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको ओनली 60 हर्ट्ज का नॉर्मल बेसिक डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप पोको X2 के अंदर दोस्तों गजब आपको जो रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज। मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है दोस्तों पोको X2 को अगर आप लेते हैं तो। दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं हम। अगर आपको कैमरा फोन चाहिए, मस्त लुक्स वाला फोन चाहिए, दोस्तों थोड़ा बड़ा फोन चाहिए तो आप पोको X2 को ले सकते हैं। दोस्तों गजब फ्लैगशिप फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको थोड़ा लेटेस्ट चाहिए, इसमें नेविक हो, बैटरी थोड़ी ज्यादा चाहिए, फास्ट चार्जिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप Redmi Note 9 Pro Max को भी ले सकते हैं। दोनों ही अच्छे डिवाइस है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को SSP Tech। और मैं हूं दोस्तों सुरेंद्र सिंह पंवार, तब तक के लिए जय हिंद।